अभी हम आपको दिखा रहे हैं मोहन कचौड़ी वालों की खस्ता दाल वाली कचौड़ी। उड़द दाल की ये कचौड़ी है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा कचौड़ी का साइज है और कीमत इसकी सिर्फ 10 रुपीज, 10 रुपए की है उड़द दाल की कचौड़ी। तो इसे खाने के लिए आपको कहाँ आना होगा, आपको बताते हैं पूरी लोकेशन। तो हम इस वक्त आए हैं जीरकपुर की सब्जी मंडी, तो यहाँ पे है मोहन कचौड़ी वाले। कचौड़ी के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं आपको बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ मिलेगी, जैसे कि गुजिया लगी हुई है, पकोड़े लगे हुए, भाजी लगी हुई है, समोसे हैं और गर्मा गर्म यहाँ पे जलेबी बनाई जाती है। के लिए स्पेशल गुजिया लगी हुई है, यहाँ पे मावे वाली खोए वाली गुजिया लगी हुई है। तो चलते हैं, हम आपको कचौड़ी की फुल मेकिंग दिखाते हैं कि कचौड़ी कैसे बनाते हैं मोहन कचौड़ी वाले। उड़द दाल की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले भैया ने पिट्ठी तैयार की है। उड़द दाल की ये पिट्ठी है, इसे भुना हुआ है और इसके अंदर बहुत सारे मसाले डाले हुए हैं, जैसे कि लहसुन प्याज का अदरक का पेस्ट डाला हुआ है, सूखा धनिया डाला है, ऊपर से भैया इसमें बढ़िया सा हरा धनिया डाल रहे हैं और अब भैया इसके अंदर धुली हुई भीगी हुई दाल डालेंगे। ये पीसी नहीं होती, ऊपर बीच में मिक्स की जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी पिट्ठी तैयार की गई है पूरे मसालों के साथ, नमक मिर्च मसाले सभी डाले हुए हैं इसमें, बहुत ही बढ़िया पिट्ठी है। भैया इसको मिक्स कर रहे हैं, तो इतने बढ़िया बढ़िया मसाले डाल के इसकी पिट्ठी तैयार की जा सकते हैं और कीमत से 10 रुपए की। आपने कचौड़ी का भी साइज दिया, कितनी बड़ी साइज की कचौड़ी है। तो अभी भैया से सारे मसाले जो है मिक्स कर रहे हैं, सूखी दाल और भुनी हुई दाल को मिक्स कर रहे हैं और बीच में नमक मिर्च का मसाला डाला हुआ है और यहाँ पे कचौड़ियां बनाई जा रही है उड़द दाल की, धुली हुई उड़द दाल जो होती है उसकी कचौड़ी बनाई जा रही है। तो यहाँ पे भैया ने पहले से आटा गूंद रखा है इसके लिए, अब इसकी लोइयां बनाई जा रही है, छोटी छोटी सी लोइयां बना के अब इसमें भैया फिलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जीरकपुर में इनकी कचौड़ी बहुत ही फेमस है, इसीलिए इनको मोहन कचौड़ी वाला के नाम से जाना जाता है। अगर आप कभी भी जीरकपुर आते हैं, सब्जी मंडी की साइड आते हैं, तो सबसे पहले आपको मोहन कचौड़ी वाले मिलेंगे जिनकी कचौड़ी बहुत ही फेमस है और स्पेशल ऑर्डर पे बहुत दूर दूर जाती है और डेली ये फ्रेश बनाई जाती है, डेली इसकी स्टफिंग तैयार करके डेली फ्रेश बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया इसकी स्टफिंग करके फिलिंग करके इसकी लोइयां बना रहे हैं इसकी, और अब इसको फ्राई करेंगे और इसको चटनी के साथ सर्व किया जाता है। 10 रुपए की ये कचौड़ी है, उड़द दाल की कचौड़ी। कचौड़ी के साथ साथ यहाँ पे आपको बढ़िया आलू वाले समोसे मिलेंगे, ब्रेड पकौड़े मिलेंगे, आलू वाली भजिया मिलेगी, वो भी इनकी बहुत बढ़िया होती है। और सारा खाना जो है मोहन जी ये खुद बनाते हैं, मोहन जी कचौड़ी वाले जीरकपुर सब्जी मंडी में। तो यहाँ देखो भैया बढ़िया सी फिलिंग कर रहे हैं, कचौड़ियाँ रेडी हो रही हैं। आप भी दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन फूड। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अगर जीरकपुर में है या इसके आसपास है तो इस जायको को जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पर कचौड़ियों में दाल की पिट्ठी फिल की जा रही है और इसे बढ़िया से ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया जाता है, जिसे कि भैया खुद बनाते हैं। फिलिंग करने के बाद अब इसे बढ़िया सा डीप फ्राई किया जाएगा। तो देखिए आप कैसे इसको डीप फ्राई करने के लिए भैया इसको हाथ से इसको आकार दे रहे हैं और ये पूरा कचौड़ी का आकार आ गया है। अब भैया इसमें एक एक करके इसमें डालेंगे और ये बढ़िया सी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर एक एक कचौड़ी फ्राई होने के लिए कढ़ाई में जा रही है, गर्मा गर्म तेल रखा हुआ है कढ़ाई में, भैया फटाफट से इसमें कचौड़ी डाली जा रही है। तो यहाँ पर डेली फ्रेश कचौड़ी बनाई जाती है, ऑर्डर पे भी बनाई जाती है, अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो बल्क में भी यहाँ पे कचौड़ियाँ बनाई जाती हैं डेली, ये साथ के साथ ये दिन भर प्रोसीजर चलता रहता है। और इनके समोसे कचौड़ी पकोड़े ब्रेड पकोड़े सभी का प्राइस सिर्फ 10 रुपीज है, जो कि ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया ये अब ये फूल रही है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज है कचौड़ी का। यहाँ पे कचौड़ियां रेडी हो रही हैं बढ़िया सी, आप देखिए क्रिस्पी क्रंची कुरकुरी बढ़िया सी कचौड़ी बनके रेडी हो गई है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके शहर में कचौड़ी का क्या प्राइस है, उड़द दाल की फिलिंग की इतनी बड़ी बड़ी कचौड़ी का साइज आपके शहर में क्या है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों हमें। तो हमारी यहाँ पे बढ़िया सी कचौड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं, डीप फ्राई हो के आप देख सकते हैं बढ़िया सी बन गई हैं, बड़े बड़े से बाउल्स होते हैं, सिर्फ 10 रुपीज की ये कचौड़ी है। तो चलते हैं हम इसको एंजॉय करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।